नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूं तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार गरीबों के हित में कार्य कर रही है, जिसके चलते बार बार लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुना जाता है, मगर कुछ रसूखदार अपनी रसूखदारी दिखाने बाज नहीं आते। जी हाँ, कुछ इसी तरह का ताजा मामला राजधानी भोपाल के शाहजहाबाद क्षेत्र के संजय नगर में आया है। मुकेश कोटवार नामक व्यक्ति शाहजहाबाद के संजय नगर में निवास करते हैं, जिसके पट्टी वाले मकान में बीते सोमवार यानी 4 मार्च को अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। इसके बाद मुकेश कोटवार अपने घर की मरम्मत करवाना चाहते थे और अपने घर के मुख्य द्वार को दूसरी ओर शिफ्ट करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुकेश कोटवार नामक व्यक्ति अपने एक हाथ से मोहताज है, मगर मुकेश कोटवार के पड़ोस में रह रहे कुछ रसूखदारों को यह बात हजम नहीं हो रही। आखिर क्यों मुकेश अपने घर का दरवाजा दूसरी ओर करना चाहता है? इसी के चलते अपनी रसूखदारी दिखाते हुए रसूखदार पड़ोसियों ने उसको अपने ही घर में दरवाजा लगाने से मना कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर मुकेश कोटवार थाना शाहजहाबाद पहुंचा और एक शिकायती पत्र पुलिस को दिया। जब थाने से बात ना बनी तो वह शाहजहाबाद ACP के पास अपना शिकायती पत्र लेकर पहुंचा। फिलहाल उसे चप्पलें घिसने के अलावा और कुछ हासिल ना हुआ। शाहजहाबाद पुलिस द्वारा इस मामले को SDM कार्यालय पहुंचा दिया गया, जहां कल रात्रि पुलिसकर्मी और RE मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद आज सुबह जब मुकेश कोटवार SDM कार्यालय शिकायती पत्र लेकर पहुंचा तो उसका शिकायती पत्र वहां स्वीकृत नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो रसूखदारों ने SDM साहब से रात में ही कुछ बात की थी, शायद इसी वजह से शिकायती पत्र स्वीकार नहीं किया गया। बहरहाल गरीब लाचार मुकेश कोटवार ने हार न मानते हुए अब अपना शिकायती पत्र कलेक्टर भोपाल को दिया है, और वह चाहते हैं कि उनके शिकायती पत्र पर न्यायिक जांच हो, ताकि वह अपने घर में अपना खुद का दरवाजा लगा सके। आपको बता दें कि मुकेश कोटवार के साथ उनकी धर्मपत्नी एवं 2 बच्चे भी रहते हैं। उनकी बड़ी बेटी 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही है। घर पर छत न होने के कारण उस बच्ची को खुले में पढ़ाई करना पड़ रही है। आखिर क्या न्याय मिल पाएगा मुकेश कोटवार को, या फिर रसूखदारों की रसूखदारी भारी पड़ेगी, वह भी उसे वक्त में जब देश में लोकसभा चुनाव होने? क्या जिला प्रशासन न्याय करेगा मुकेश कोटवार के साथ? क्या होगा आखिर मुकेश कोटवार के साथ? बने रहिए न्यूज 69 के साथ। सर, मेरा नाम मुकेश कोटवार है। मेरे घर में आग लग गई थी सोमवार को, तो उस आग के कारण में मेरा पूरा सामान जल गया, जो भी था घर जल गया, पूरा झोपड़ा जल गया मेरा। तो मैं उसकी मरम्मत करवा रहा था और उसके साथ में अपनी दीवार से एक गेट लगा रहा था निकलने के लिए। उसमें मेरे पड़ोसी 3-4 लोग आपत्ति कर रहे हैं। तो क्या कारण है, क्यों आपत्ति कर रहे हैं? ये मुझे पता नहीं है। और मैं अपनी ज़मीन पे अपने, मेरे पास पट्टा है, सब कुछ है, और मैं अपनी दीवार पे लगा रहा हूँ। आप कलेक्टर कार्यालय भी गए थे? मैं कलेक्टर कार्यालय गया था, तो वहाँ मैंने आवेदन दिया, शिकायत दर्ज कराई मैंने। मैंने आवेदन दिया है, मैं चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई उचित कार्रवाई हो। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।